I could wife you, but time doesn't pay for any. I mean, I could wife you. But you won't give me time. सो है गाइस, वेलकम टू माय न्यू कैंपिंग व्लॉग। आपका एक और नई कैंपिंग वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अभी अभी मैं पहुंचा हूं देवीदहाड़ में। आज की कैंपिंग हम फिर से देवीदहाड़ में करने वाले हैं, बट एक अलग स्पॉट है। यहां पे बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पे हम कैंपिंग कर सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा प्यारी लोकेशन है यहाँ पर यार। मतलब यहाँ पर कैंपिंग करने का अलग ही मज़ा आता है, मतलब नेक्स्ट लेवल है। इतनी पीस मिलती है यहाँ पर, सीरियसली मतलब क्या ही बोलें। तो ये मैंने स्पॉट सेलेक्ट करा हुआ है। जैसे कि आप सभी लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत दिल से थैंक यू यार आप सभी लोगों के। सबसे पहले टेंट लगा लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे कुछ भाई लोग मिल गए हैं। हाय गाइस, यहाँ पे लोकल, ये लोकल है यहाँ के। और आप कौन सी बस के हो? कनाग ड्राइवर हो? कमनाग बस के ड्राइवर मिल गए यहाँ पे। इन्होंने भाइयों ने अपनी मेरी हेल्प करी यहाँ पे टेंट लगाने में। आप क्या ढूंढ रहे थे यहाँ पे? लोकल मशरूम। मशरूम बताना ज़रा, लोकल मशरूम यहाँ के। ठीक, टेस्टी होते होंगे खाने में। हाँ। तो भाई लोग अभी अभी यहाँ से चला गए हैं, और ये देखो टेंट, ये कुछ इस टाइप से लगाया हुआ मैंने। वैसे मुझे लगाना तो नीचे वाली साइड को था ये, बट क्या है ना कि यहाँ पे इतना ज़्यादा स्पेस नहीं था, तो मुझे इस डायरेक्शन में लगाना पड़ा ये। तो ठीक है, अच्छा है, ठीक जच रहा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यही थी कि यहाँ पे ना पेड़ पौधे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो यार, मतलब अमेजिंग सा स्पॉट है। एक स्पॉट ढूंढना भी थोड़ा मुश्किल होता है ना, बट इतना प्यारा स्पॉट ये देख सकते हो आप। पेड़ पौधे कितने सारे, मतलब इतना घना जंगल है यहाँ पे ना कि आप खुद देख सकते हो। और यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है इनकी देवीदहाड़ में। यहाँ पे जानवर जुनवर का भी शायद से ख़तरा हो सकता है। वैसे अब मैं तो इतना तो मैंने बहुत सारी कैंपिंग कर दी है, वैसे मैंने आज तक मुझे इतनी ऐसी घबराहट नहीं हुई, और ना ही मुझे आज तक ऐसे जानवर मिले हैं। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इन जगहों पे होते हैं टाइगर्स। से मैं आग जला के रखता हूँ, उससे कि क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि आग के पास ना जंगली जानवर नहीं आते हैं इतने। बट कई बार मैं ऐसे भी रह चुका हूँ बिना आग से। यहाँ पे एक स्पॉट है आग जलाने के लिए, मैं आग जला सकता हूँ। हल्की फुल्की यहाँ पर लकड़ियाँ पहले से गिर रखी है, और इनको कलेक्ट करके मैं आग जला सकता हूँ। यहाँ पर छोटी मोटी और लकड़ियाँ भी यहाँ पर मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। ये मशरूम मिले हैं कुछ,
बट यार पता नहीं ये कैसे होंगे, मशरूम तो बहुत होते हैं जंगल में ना, बट इनकी ना पहचान करना ना थोड़ा मुश्किल होता है। जिन जिन लोगों को पता होगा ना इन चीज़ों के बारे में, तो वही इनको निकाल सकते हैं, वही इनकी सब्जियां बना सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि ये चीज़ें जहर का काम भी करती है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा जहरीली भी होती हैं। तो ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी मिल गया जंगल में तो उसकी आपने सब्जी बना दी। अब मुझे ये नहीं पता ये खाने लायक है या नहीं है, बट मैं इसको नहीं खाऊंगा, मुझे पता ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। तो जैसे कि भाई लोगों ने यहाँ पे ढूंढी थी कुछ चीज़ें, उनको ढूंढने की मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, हो सके तो मुझे एक दो भी मिल जाए तो मैं उसको सब्जी में डाल के, मैंने भी पहली बार देखी वो चीज़। मुझे क्या मिला है जंगल में, इसे कहते हैं लिंगड़, तो इसकी भी सब्जी बनती है। यहाँ पे बहुत सारे लिंगड़ होते हैं, मुझे ये नहीं पता यार ये चीज़ क्या है। यार इस चीज़ के बारे में किसी को पता है तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने बहुत बार ऐसी चीज़ देखी है, ये चीज़ जो कि पहले ऐसी ग्रीन होती है और बाद में जब पकती है ये तो लाल हो जाता है ऊपर से, और इसमें ना ऐसा सांप जैसा बनता है ऊपर से, पहले वो शायद निकल जाता है फिर ये बीज आते हैं उसमें, ऐसा ही होता है कुछ की। इसकी भी जड़ी बूटी होती है ना, इसकी जड़ें जो होती हैं, इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, वो शायद से हमारी किडनी को ना हमारी साफ़ करती है, ऐसा शायद से यही काम होता है इसका, प्रॉपर पता मुझे नहीं है। बट ये एक जड़ी बूटी है, आप देख सकते हो इसमें कांटे कांटे से लगे होते हैं, ज़्यादा नुकीले नहीं होते हैं, बट नुकीले तो बहुत हैं बट थोड़े से सॉफ्ट हैं। इसकी जो जड़ें होती हैं ये किसी न किसी चीज़ के काम आती है यार, मतलब आप खुद सर्च कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके ना आप सर्च कर सकते हो, गूगल लेंस पे आप फ़ोटो डाल सकते हो और इस चीज़ के बारे में आपको पता लग जाएगा। ये कुछ इस टाइप का होता है, देख लो यहाँ पे, देखो यार कितने सारे हैं ये। वाह यार, मतलब वैसे हर कुछ लग रहे हैं यार, देख सकते हो आप ऐसे जंगल में ना, बड़ा अच्छा लग रहा है इनको देखना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे फ्लावर हो, बट पता नहीं क्या चीज़ है ये कुछ भी हो सकता है। इन चीज़ों से दूरी रहें तो अच्छा है। कई चीज़ें ऐसी होती है वो ना खुजली का काम करती है, अगर आप उन चीज़ों को पकड़ोगे ना फिर आप अगर शरीर पे लगाओगे ना तो आपको खुजली हो सकती है, बहुत ज़्यादा खुजली होती है। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी हैं जंगल में, तो ऐसे हर कुछ नहीं पकड़ना चाहिए जंगल में, तो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है हमारे लिए वो। तो यार रात बहुत हो चुकी है, मैं अभी अभी ना शॉप पे गया था, तो शॉप से मैं ये ले आया हूँ, एक ब्रेड का पैकेट और एक पाउडर मिल्क, मैं छोटे वाला लेने वाला था पर वो मिला नहीं, मजबूरन मुझे यही लेना पड़ेगा क्योंकि चाय तो यार वो तो बनी बनती है। और इसमें मैं पनीर ले आया हूँ, आधा किलो पनीर। तो अभी रात बहुत हो चुकी है, दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट करनी पड़ रही है। तो ना अभी सबसे पहले तो यार यहाँ पे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, डर तो क्या ही बोलें, बहुत अंधेरा हो चुका है और सुनसान जंगल है और मैं अकेला हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आसपास कोई घर नहीं है। गैस पानी भर लेते हैं, रात बहुत हो चुकी है और तो फिर रात को दिक्कत हो सकती है यार, थोड़ा सा दूर जाना पड़ रहा है पानी के लिए, तो अभी ना समय रहते हुए पानी का जुगाड़ कर लेता हूँ। तो यार पानी तो ख़त्म ही हो चुका है, फिर डर लगेगा रात को, इसलिए पानी भर लेता हूँ पहले ही। कितना कितना सा पानी आ रहा है, पहले ज़्यादा था ये, अगर मैंने पहले कर दिया होता ना तो जल्दी भर जाता, अभी थोड़ा कम हो गया है। चलो फिर भी बुर मुर से घड़ा भरता है,
ओ भाई यहाँ देखो गाइस कितनी बड़ी है ये, इसको फील कहते हैं हम। दो दो है, एक वाइट कलर की और थोड़ी सी डार्क कलर की। सो गाइस अभी मैं टेंट के अंदर आ चुका हूँ और बाहर मैं बहुत टाइम रहा हूँ मैं बाहर, मतलब आधा एक घंटा तो कम से कम, एक घंटा तो कम से कम मैं रहा ही बाहर। तो मैं आग सेक रहा था और मज़े ले रहा था नेचर के, स्टार्स, क्लाउड्स, ट्रीज एक्सेट्रा, एवरी थिंग्स, मतलब हर एक चीज़ के मज़े ले रहा था। अब कैमरे में ये सारी चीज़ें नहीं आती यार, इतनी दूर की चीज़ें नहीं आती, तो मैं असमर्थ हूँ इन चीज़ों को बताने के लिए, उसके लिए यार सॉरी। तो अभी ना अंदर आ चुका हूँ, तो ये मैंने सारा सामान यहाँ पे खोल के रख दिया है। तो अभी ना हम सब्जी सब्जी बनाएंगे, खाने खुने का प्रबंध करते हैं। जैसा कि आपने देखा गाइस, सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है और देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, कसम से भी खाने में कितना मज़ा आएगा कसम से। और अकेला ही हूँ मैं भाई, इतना सारा पनीर कैसे खा पाऊँगा मैं, बट मैं खा ही लूँगा अभी ना। क्या यार कि चपातियाँ का क्या सीन है यार, मैं चपातियाँ नहीं बनाता हूँ। चपातियाँ बना तो लेता हूँ बट अच्छी नहीं बनती मेरे हाथ से, तो मुझे अच्छा मज़ा भी नहीं आता, तो इसलिए मैं ब्रेड ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इजी होता है, मतलब बना बनाई चीज़ है, और उसको मैं गर्म गर्म करके अभी रोटी की जगह ब्रेड ले लेता हूँ, जैसे भी मैं कैंपिंग करने आता हूँ कभी कभी मैं बना लेता हूँ, जैसे कि आपने मेरे व्लॉग देखे होंगे। तो थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है यार बहुत, मतलब समझ सकते हो आप। तो आज मैं चम्मच ले आना भूल गया यार, मतलब इतना बड़ा भुलक्कड़ हूँ मैं, कभी ना कभी कुछ जरूर भूल जाता हूँ मैं ना।
घी माई ऑल टाइम फेवरेट, मतलब घी मैं इतना पसंद करता हूँ ना, दूध और घी बहुत ज़्यादा। घी खाया है मैंने ज़िंदगी में, दूध भी बहुत ज़्यादा पिया हुआ है। तो यार टाइम भी काफ़ी हो चुका है, 10:25 हो चुके हैं, 10:30 हो चुके हैं, और घर पे मैं खाना 8 बजे से पहले पहले खा लेता हूँ, यहाँ पे ना 10 बजे खाना पड़ रहा है खुद बना के। तो यार जल्दी जल्दी से फटाफट से खाना खाते हैं भाई, भूख भी बहुत लगी हुई है, डबल करके। वाह यार वाह, क्या सब्जी बनाई है मैंने यार, कसम से। तो गैस टाइम हो चुका है 11:30, और ना अभी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो अभी सोने की तैयारी करते हैं फटाफट से, और बढ़िया से आराम से सो जाते हैं। सुबह के सुबह देखते हैं, सुबह देखते हैं क्या क्या बनता है, सुबह ही भर लेगा, अभी सोचने की कैपेसिटी भी नहीं है मेरे पास, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। यहाँ पे ना नदी का साउंड आ रहा है बड़ा, नदी का साउंड आ रहा है, बढ़िया सी नींद आएगी यहाँ पे। हे गुड मॉर्निंग गाइस, काफ़ी टाइमली उठ गया हूँ मैं आज, 4:30 का उठ गया हूँ, और अभी 5:30 हो गए हैं, 4:30 का उठ गया हूँ और 5:30 हुए हैं अभी। तो ये आप देख सकते हो सुबह का वेदर यहाँ का, बहुत ज़्यादा क्लीन लग रहा है यार, मतलब नेचर का साउंड बहुत ही सही आ रहा है सुनने को। ले तू ले।
तेरे को चाहिए? ले तू ले। सुबह से बैठे हैं बेचारे यार यहाँ पे, इनको पता था कुछ ना कुछ मुझे मिलेगा खाने के लिए। सब्र करना तो इनसे सीखो। लो खाओ पनीर, खाओ पनीर भाई, पनीर तुम्हारे को। लो ब्रेड, जितना खाना खाओ। खाओ 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 खाओ। तो गैस ये थी आज की वीडियो, और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, कुछ हद तक पसंद तो आई होगी। और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो कैंपिंग से रिलेटेड, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और लाइक करना यार, शेयर करना। एंड बाय बाय। अभी अभी इसकी क्लोजिंग करूँगा, और बैग मैंने सारा सामान अंदर पैक कर दिया, चेयर क्लोज करूँगा, और उसके बाद बाय बाय। See you next vlog.